गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको आपका जो कोई फ़ोन है, यानी आपका MI का फ़ोन है, Realme का फ़ोन है या फिर Oppo का है कि Vivo का है, ओके, तो वो फ़ोन में फ्रेंड्स आप ये USB केबल ट्राई करते हैं, यानी USB केबल डालते हैं, यानी कि माउस चलाने के लिए या फिर ये मोबाइल से डेटा लैपटॉप में लेने के लिए या लैपटॉप का डेटा ये मोबाइल में लेने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये USB केबल इंसर्ट किया, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं दिख रहा, ओके, एक्शन मीन्स के यानी वो कनेक्ट नहीं हुआ, ओके। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे, तो उसके लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये फ़ोन के यानी आपका जो कोई फ़ोन है, फ़ोन के सेटिंग्स में चले जाएंगे, ओके। जैसे कि मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाता हूँ, ये सेटिंग्स में चला गया, ओके। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सर्च में आपको टाइप करना है OTG, ओके, OTG मीन्स के फ्रेंड्स OTG ऑन द गो कनेक्शन, ओके, OTG कनेक्शन में चले जाएंगे, ओके, ये OTG कनेक्शन, फिर यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स OTG कनेक्शन, ओके, तो फ्रेंड्स इसको इनेबल कर देंगे, ओके। यानी फ्रेंड्स जनरली फ़ोन में क्या रहता है, कोई भी फ़ोन में ये OTG कनेक्शन डिसेबल रहता है, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ऑटोमेटिकली टर्न्स ऑफ इफ़ नॉट यूज फॉर 10 मिनट्स, ओके। तो फ्रेंड्स इसको आपको ऑन करना रहेगा, ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे ऑन कर दिया, उसके बाद यहाँ पे मैं अगर एंटर करता हूँ, ओके, यहाँ पे फ्रेंड्स ये ऑन होना चाहिए, ओके। उसके बाद फ्रेंड्स आप इंसर्ट करेंगे, यानी अगर आपने इंसर्ट करके रखा है तो निकाल लेंगे, उसके बाद वापस इंसर्ट करेंगे, ओके। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा माउस ये चल पड़ेगा, यानी ये USB पोर्ट काम करने लगेगा, ओके। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको लगेगा कि आपका USB पोर्ट ख़राब हो गया, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको OTG इनेबल करना रहेगा, वो OTG फंक्शन, ओके। फ्रेंड्स ये यहाँ पे मेरा ये प्लग काम करने लगा, ओके, यानी पहले ये OTG ऑन नहीं था तो काम नहीं किया था, पर अभी जैसे कि मैंने उसको ऑन कर दिया, ओके, OTG कनेक्शन को, ये यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये OTG कनेक्शन को ऑन कर दिया तो ये अभी काम करने लगा, ओके। और फ्रेंड्स उसमें क्या है, देखिए यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दिया कि ऑटोमेटिकली टर्न्स ऑफ इफ़ नॉट यूज फॉर 10 मिनट्स, अगर ये फ्रेंड्स 10 मिनट के लिए आप यूज़ नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वापस बंद हो जाएगा, यानी फ्रेंड्स कनेक्ट करने के बाद तुरंत आपको ये जो कोई वर्क है वो करना है आपको, ओके।